बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारी मैथ की क्लास है। लास्ट टाइम हमने इसकी एक्सरसाइज 1.1 की थी। आज हमने सेट की प्रेजेंटेशन पढ़नी है। सेट को लिखने के दो तरीके होते हैं, एक कौन सा डिस्क्रिप्टिव फॉर्म और दूसरा टेबुलर फॉर्म। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कौन सा होता है? स्टेटमेंट की फॉर्म में होता है, ठीक है। किसकी फॉर्म में होता है? स्टेटमेंट की, यानी इंग्लिश में जो भी हम चीज़ लिखते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है। ये कौन सी फॉर्म है? डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। अब सेट ऑफ नेचुरल नंबर आपके पास होते कौन से हैं? 1, 2, 3। सेट ऑफ नेचुरल नंबर आपके पास कौन से होते हैं? 1, 2, 2, 3, up 3, up to so on। हाँ, ये कौन से होते हैं? नेचुरल नंबर्स होते हैं, ठीक है। जैसे हमने क्या किया, इनको 1, 2, 3 लिख के, ठीक है, हमने इसको क्या कर दिया, डॉट डाल दिया आगे। अब ये नेचुरल नंबर है, इसका मतलब कि हमें नहीं पता कि ये कहाँ जाके खत्म हो रहे हैं। डॉट का मतलब है कि ये आगे चल रहे हैं, ठीक है ना। अगर हमें लिमिट गिवन होती है कि नेचुरल नंबर अप टू 10 या 20, तो हम लिखते 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इस तरह, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ पे लिमिट नहीं ना गिवन, तो अप टू सो ऑन का क्या मतलब हो गया? सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है। अब नीचे दिया हुआ है सेट ऑफ एनिमल्स इन अ जू, मतलब यहाँ पे आपने जू में कोई किसी भी एनिमल्स के नाम लिखे। जैसे जू में कौन कौन से एनिमल्स होते हैं? एलिफेंट हो गया, एलिफेंट हो गया, उसके बाद क्या नाम है, मंकी होता है, लॉयन होता है, टाइगर, ये सारे क्या है जो एनिमल्स किस में होते हैं? जू में होते हैं, ठीक है। ये इनके मतलब कि स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखा हुआ होता है, तो वो हमारे पास कौन सी फॉर्म होती है? डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, ठीक है। अब ये जो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है, इससे आपने एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 करना है, ठीक है। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 आपने इससे सॉल्व करना है, और ये फिर मुझे पिक भेजनी है, मैं देखूंगी आपको समझ आई है या नहीं। एक्सरसाइज 1.2 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, ये एग्जांपल जो मैंने दी है ना, इनको देख के आपने वो क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करना है, क्लियर। सेकेंड इसकी जो फॉर्म है वो है टेबुलर फॉर्म। कौन सी फॉर्म है? टेबुलर फॉर्म। अब डिस्क्रिप्टिव फॉर्म स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखी हुई थी, अब ये किसकी फॉर्म में आ गई है? नंबर की फॉर्म में। यानी अब आपको इसको किस में लिखना है? स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखना है। किसकी फॉर्म में लिखना है? स्टेटमेंट की फॉर्म में। जैसे आपके पास लिखा हुआ है 2, 3, 4, फर्स्ट एग्जाम्पल है 2, 3, 4, तो ये क्या हो जाएगा? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है। ये क्या हो गया? सेट ऑफ नेचुरल, मतलब इसको इस तरह लिखते हैं, ठीक है। ये क्या हो गया? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, क्लियर है। समझ आइए क्वेश्चन की, कि पहले आपके पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में था, स्टेटमेंट की फॉर्म में थी, आपने नंबर के फॉर्म में लिखा था, आप टेबल फॉर्म में, आपके पास नंबर्स के फॉर्म में है, तो आप इसको स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखते। जैसे नीचे आपके पास लिखा हुआ 3, 9, 27, तो ये क्या हो गए? मल्टीपल्स ऑफ 3 है। क्या है? मल्टीपल्स ऑफ 3 है। तो इससे आपने सॉल्व करना है एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2। कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करना है? ये इस एग्जांपल से एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। 2 एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करना है इससे, ठीक है। ये होगी आपकी सेट्स को रिप्रेजेंट करने की दो फॉर्म। पहली कौन सी थी? डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। दूसरी कौन सी होगी? टेबुलर फॉर्म, क्लियर। अब नीचे आ जाते हैं सेट्स की टाइप्स पे। सेट की टाइप्स पे सबसे पहले जो सेट की टाइप है वो कौन सी है? फाइनाइट सेट। कौन सी है? फाइनाइट। अ सेट हैविंग फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। अच्छा, ऐसा सेट जिसके एलिमेंट्स क्या हों? फाइनाइट हो। फाइनाइट मतलब कि जिसकी एक लिमिट हो। जैसे कि अब हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल दी हुई उनने के सेट ऑफ कंसोनेंट्स इन इंग्लिश अल्फाबेट्स, यानी एबीसी के जो लेटर्स होते हैं। अब एबीसी के जो लेटर्स होते हैं वो ए से लेकर जेड तक, जेड पे जाके खत्म हो जाते हैं ना, इसका मतलब इसकी लिमिट है। हमें पता है कि यहाँ ये चीज जाके क्या हो रही है? खत्म हो रही है, ठीक है। ए टू जेड कौन सी है? ए टू जेड। दूसरा है सेट ऑफ पॉपुलेशन ऑफ लाहौर। अब लाहौर की पॉपुलेशन जो है वो भी तो कुछ ना कुछ पॉपुलेशन होगी ना, कोई स्पेसिफिक नंबर होगा इसका, ठीक है, मतलब कुछ भी हो सकता है।
से नेक्स्ट एग्जांपल आपके पास सेट ऑफ सेवन कलर्स ऑफ रेनबो, ठीक है। तो अब रेनबो में आपको पता है कि सेवन कलर है, इसका मतलब हम काउंटिंग है ना हमारे पास कि सेवन, इसका मतलब ये फाइनाइट है, लिमिट है हमारे पास, ठीक है। मतलब नंबर्स का हमें पता है, वो चीज़ यहाँ पे जाके खत्म नहीं होती। उसके बाद है सेट ऑफ 10 कॉलेज, अब कॉलेज का जिक्र आया तो उसमें भी काउंटिंग हमें दे दी है कितनी, 10, यानी कि 10 कॉलेज की बात हो रही है। लिमिट गिवन है, नंबर गिवन है हम लोगों को यहाँ पे, ठीक है। ये कौन सा होता है, फाइनाइट सेट, ठीक है। इससे आपने एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.2 का, एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। इस एग्जांपल से कौन सा क्वेश्चन सॉल्व होगा, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्लियर है आप लोगों को। फाइनाइट सेट में एक दफा रिपीट कर देती हूँ, ऐसा सेट जिसकी लिमिट हमें पता हो, मतलब कि ये सेट कहाँ जाके कहीं जाके खत्म हो रहा है, ठीक है ना, ऐसा सेट क्या कहलाता है, फाइनाइट सेट। जैसे आपको ये एग्जांपल दी है, अल्फाबेट्स की दी है, पॉपुलेशन ऑफ लाहौर है, कलर्स ऑफ रेनबो है, और 10 कॉलेजेस की बात हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट कौन सा होता है, अ सेट हैविंग अनलिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज नोन एज, अच्छा इसमें क्या है कि हमें लिमिट का नहीं पता होता। हाँ, लिमिट का नहीं पता होता, मतलब कि जैसे ऊपर वाले में हमारे पास काउंटिंग दी हुई थी ना कि 10 है, अल्फाबेट्स हैं, 7 कलर हैं, यहाँ पे हमें लिमिट का नहीं पता था। हम कोई भी नंबर लिखते हैं, अप टू 101 डाल देते हैं आगे, क्या कर देते हैं, अप टू 101, यानी ये आगे आगे चल रहा है, ठीक है। जैसे पहले एग्जाम्पल आपको दी हुई है 1, 2, 3, अप टू 101, ठीक है। तो ये क्या है आपके पास, सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स हैं। अब सेट ऑफ नेचुरल नंबर दिए हैं इसके आगे अप टू 101, इसका मतलब कि हमें कुछ नहीं पता कि ये कहाँ जाके खत्म हो रहे। नेक्स्ट में जेड किसको डिनोट करता है, इंटीजर्स को, किसको डिनोट करता है, इंटीजर्स को। इसमें भी क्या है, +3 अप टू 101, इसका मतलब हमें इसकी भी कोई लिमिट का नहीं पता, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है, इससे भी आपने एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 4 ही सॉल्व होगा, क्योंकि ये फाइनाइट और इनफाइनाइट जो है दोनों सेम है, ठीक है। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4, आपने उस क्वेश्चन में यही बताना है कि फाइनाइट सेट कौन सा है और इनफाइनाइट कौन सा है, सेपरेट करना है आपने वो क्वेश्चन, क्लियर। नेक्स्ट आपके पास आते हैं एम्प्टी सेट। कौन सा सेट आता है, एम्प्टी सेट। एम्प्टी का मतलब ही बेसिकली क्या होता है, खाली। एम्प्टी का मतलब क्या होता है, खाली। द सेट हैविंग नॉन एंड नो एलिमेंट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट और नल सेट, कहता है कि ऐसा एलिमेंट, ऐसा सेट जिसके अंदर कोई एलिमेंट ना हो, कुछ भी ना हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, एम्प्टी सेट या नल सेट, दो नाम है इसके, एम्प्टी सेट या नल सेट, ठीक है। और इसकी रिप्रेजेंटेशन क्या है, फाई, किसे डिनोट करते हैं इसको, फाई से, ठीक है। अब जैसे ने इसकी एग्जांपल दी हुई है कि सेट ऑफ डेज ऑफ 24 hours, तो आपको तो पता है कि एक डे में कितने हार होते हैं, 24, तो 25 तो होते ही नहीं है, इसका मतलब ये क्या हो गया, एम्प्टी सेट हो गया, ठीक है। दूसरा सेट ऑफ वीक ऑफ 9 days, तो वीक में कितने डेज होते हैं, 7 days होते हैं, ये भी क्या हो गया, एम्प्टी हो गया, ठीक है, क्लियर है। इससे आपका एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, समझ आइए। ऐसा सेट जिसके अंदर कोई एलिमेंट ना हो, वो बिल्कुल खाली हो, क्या कहलाता है, एम्प्टी सेट। नेक्स्ट, अच्छा एम्प्टी सेट की भी समझ आ गई है आपको, एम्प्टी सेट कौन सा सेट होता है, ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होता, वो खाली होता है, ठीक है। इससे आपने क्या करना है, एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करना है। नेक्स्ट है आपके पास सिंगलटन। सिंगल वर्ड क्या है, सिंगल, तो सिंगल का क्या मतलब होता है, एक। सिंगल का क्या मतलब होता है, एक, यानी ऐसा सेट जिसमें क्या हो, सिर्फ एक एक एलिमेंट आए हमारे पास, क्या डेफिनेशन है, अ सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट इज नोन एज सिंगलटन सेट, यानी ऐसा सेट जिसमें हमारे पास सिर्फ एक एलिमेंट हो। जैसे ए इज इक्वल टू ने 0 लिखा हुआ है, सी इज इक्वल 2, 3, 5, मतलब एक एक सेट के अंदर एक एक एलिमेंट आता है, ठीक है। ये आपका कौन सा हो गया, सिंगलटन सेट। इससे भी आपकी कौन सी एक्सरसाइज होगी, एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपने करना क्या है, सिंगल टन और एम्प्टी सेट को सेपरेट करके बताना है, ठीक है। मतलब आपके पास क्वेश्चन गिवन है ना, आपने बताना है इसमें से सिंगल टन सेट कौन सा है और एम्प्टी सेट कौन सा है, क्लियर। नेक्स्ट आपके पास डेफिनेशन आती है इक्वल सेट की। इसकी डेफिनेशन आती है इक्वल। अब इक्वल का मतलब क्या होता है, बराबर, ठीक
ठीक है, अब नाम से ही पता है कि इसका क्या मतलब है, बराबर। अब इसमें आपके पास दो सेट्स की बात होगी। इससे पहले पहले हम जितनी भी बात करते हैं हम सिंगल सिंगल सेट की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, दो सेट्स की बात करेंगे, ठीक है। अब दो सेट्स की बात हो रही है तो इक्वल सेट भी है, तो इसका मतलब ये है कि इनके एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। नंबर्स कितने होने चाहिए, सेम होने चाहिए। ये बेशक हो के एलिमेंट्स बीच में चेंज होते जाएं, जैसे ऊपर वाले में 1 2 3 है, नीचे में 2 3 4 होता रहे, इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क ये पड़ता है कि अगर ऊपर वाले में 3 है तो नीचे भी 3 होने चाहिए, ऊपर 4 है तो नीचे भी 4 होने चाहिए। नंबर्स बेशक चेंज होते रहें लेकिन उनकी लिमिट क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। जैसे आपको पहली एग्जांपल दी है, सेट ए में है 2 3 4 और बी में भी क्या है 2 3 4, ये तो इक्वल सेट हो गए। नेक्स्ट में देखिए, एफ है आपके पास AEIOU, ये तो वॉवल्स हो गए। दूसरे कौन से, SPQRT। अब इनके एलिमेंट्स क्या हैं, डिफरेंट हैं, लेकिन इनके नंबर्स क्या हैं, सेम हैं। जितने ऊपर वर्ड हैं 5, उतने ही नीचे भी हैं। नंबरिंग क्या होनी चाहिए इनकी, सेम होनी चाहिए। क्लियर है, समझ आ गई है। इससे आपका होगा एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। आपने क्वेश्चन नंबर 6 में बताना है कि कौन सा सेट इक्वल है और कौन सा नहीं है, ठीक है, उसमें से सेपरेट करने हैं आपने। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट डेफिनेशन है आपके पास इक्विवेलेंट सेट। कौन सा सेट, इक्विवेलेंट सेट। क्या कहते हैं इक्विवेलेंट सेट, क्या होता है कि इफ वन वन टू वन कॉरेस्पॉन्डेंस एस्टेब्लिश बिटवीन टू सेट्स देन इट विल कॉल्ड इक्विवेलेंट सेट। यानी कि आपके पास जो एलिमेंट्स हैं उनके दरमियान 1:1 का रिलेशन हो, मतलब कि एलिमेंट्स जैसे हमने ऊपर बात की थी, इनके एलिमेंट्स क्या हो, बेशक सेम होते रहे, मतलब चेंज भी हो सकते हैं और सेम भी हो सकते हैं, दोनों कंडीशन हो सकती है आपके पास। जैसे एग्जांपल 1 में आपको नंबर दिए हैं 1 2 3 और बी में क्या आ गए, ABC। बेशक चेंज है लेकिन काउंटिंग करें तो दोनों के क्या है, 4 4 है, ठीक है, मतलब 1:1 कॉरेस्पॉन्डेंस होनी चाहिए। दूसरा देखें, एफ में आपके पास क्या है, 6 3 9 12 18 22, ठीक है, और नीचे क्या है, 27 32 34, और तो सीक्वेंस कुछ नहीं है, बेशक आगे पीछे हो, छोटा बड़ा होता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन नंबर क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। ये कौन सा सेट होता है, इक्विवेलेंट सेट। कौन सा सेट होता है, इक्विवेलेंट सेट। देखिए ये नीचे लिखा हुआ है, जैसे बिकॉज के नीचे हमने 1 2 3 4 लिखा, फिर एरो लगा के 1 के नीचे ए, 2 के नीचे बी, 3 के नीचे सी, डी के नीचे क्या, 4 के नीचे क्या लिखा हुआ है, डी। इसका मतलब क्या है, 1:1 कॉरेस्पॉन्डेंस, मतलब एक एलिमेंट का दूसरे के साथ एक टाइम में एक रिलेशन है, मतलब 1 का ए के साथ ही है, 2 का बी के साथ ही है। ऐसे नहीं हो सकता कि ए का 1 के साथ भी है तो 1 का वापस बी के साथ भी हो, ऐसे नहीं हो सकता, ठीक है। हर एलिमेंट का अपने साथ एक ही रिलेशन होगा, ये क्या हो गया, इक्विवेलेंट सेट। कौन सा सेट हो गया, इक्विवेलेंट सेट। और इससे आपकी होगी एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 5, एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, ये हो जाएगा। इक्विवेलेंट सेट के, इक्विवेलेंट सेट की समझ आई है, क्या है इक्विवेलेंट सेट, कि आपके पास जो सेट है उसमें 1:1 कॉरेस्पॉन्डेंट होनी चाहिए, यानी हर एलिमेंट का दूसरे के साथ डायरेक्ट रिलेशन होना चाहिए। क्लियर, इसके बाद आगे क्या आ जाता है, सबसेट। क्या आ जाता है, सबसेट ऑफ अ सेट। क्या कहता है कि इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आल्सो मेंबर ऑफ सेट बी देन इट इज कॉल्ड सबसेट ऑफ बी। कि आपके पास कोई से दो सेट होंगे, ठीक है, और सेट ए का हर एलिमेंट सेट बी में होना जरूरी है, सेट ए का हर एलिमेंट सेट बी में होना जरूरी है। बी का बेशक ना हो, इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इस फर्क किससे पड़ता है कि ए का हर एलिमेंट बी में मस्ट होना चाहिए। अब ए में कौन कौन से आपके पास है, एग्जाम्पल में 1 4 3, ये तीन एलिमेंट्स है ना, तो तीनों ये एलिमेंट्स देखिए नीचे बी में भी है 1 3 4, ये तीनों क्या है, बी में है, तो इसका मतलब ये इसका सबसेट है। अच्छा, सबसेट की डेफिनेशन बता रही थी कि ऐसा सेट जिसमें दो सेट ए और बी और ए का हर एलिमेंट बी में होना चाहिए, ठीक है, ये कौन सा होता है, सबसेट होता है, ठीक, सबसेट। हाँ, इससे नेक्स्ट डेफिनेशन कौन सी आपकी, सुपर सेट। सुपर सेट क्या होता है कि इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ सेट बी इज नॉट अ मेंबर ऑफ सेट ए देन बी इज कॉल्ड सुपर सेट। यानी आपके पास दो सेट हैं, ठीक है, सेट ए और सेट बी, लेकिन बी का एटलीस्ट एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए मस्ट, जो सेट ए में ना हो, जो सेट ए में ना हो। सेट ए और बी आपके पास दो सेट हैं, लेकिन सेट बी का एक ऐसा एलिमेंट, सेट बी का एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जो सेट ए में ना हो।
अच्छा जैसे एग्जांपल है आपके पास ए इज इक्वल टू फोर फाइव सेवन और बी में है वन, बी है आपके पास वन टू थ्री सिक्स सेवन एट, ठीक है, ये आपके पास क्या है, सेट बी। तो अभी मैंने आपको क्या डेफिनेशन बताई है कि ए और बी ऐसा सेट है, ठीक है, लेकिन क्या है कि बी का एक ऐसा एलिमेंट मस्ट होना चाहिए जो सेट किसमें ना हो, ए में ना हो, ठीक है। अब इसमें देखिए वन भी है और टू भी और थ्री भी, ये एक ऐसे एलिमेंट है जो सेट ए में नहीं है। वन भी हो सकता है और मतलब एक एलिमेंट भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो क्या हो ये उसमें क्या नाम है, सेट ए में नहीं होने चाहिए, ठीक है, सेट ए में ना हो, तो वो कौन सा सेट कहलाता है, सुपर सेट। कौन सा सेट कहलाता है, सुपर सेट, ठीक है। इस समझ आइए सुपर सेट की, आपके पास दो सेट है ए और बी, और बी का एक ऐसा एलिमेंट कोई भी जो वो हो जो सेट ए में ना हो, ये क्या डेफिनेशन होगी सुपर सेट की। इसको डिनोट कैसे करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करने का या इसको डिनोट करने का क्या तरीका है, ए सेट ए लिखेंगे, सिंपल ए लिख के फिर सबसेट का साइन डालेंगे। ये साइन किसको शो करता है, सबसेट को। हाँ ये किसका साइन है, बी, ये क्या है, ए सबसेट बी, यानी ए सबसेट है बी का या सुपर सेट है बी का। ये आपका आज का लेक्चर था, ठीक है, यहाँ तक आप सब क्लियर हो गया। इससे आपकी एक्सरसाइज 1.1 भी हो गई है, ठीक है। 1.1 के जिस तरह मैंने एग्जांपल बताई है उसी तरह इसके आगे क्वेश्चन नहीं है वो सॉल्व करने, जहाँ से नहीं समझ आई आपने मुझसे पूछ लेना, ठीक है। ये क्वेश्चन करके आपने फिर व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करने, फिर मैं चेक करके बताऊंगी कि आपके क्वेश्चन सही है या नहीं है।